सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। वैल, पंजाब की जो गल करिए, सो बच्चे प्रैफर करते आइल्स करके पीटीई करके अब्रॉड जाना, बट वट अबाउट आर स्टेट, वट अबाउट आर कंट्री। आई एम अ प्राउड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि राइट नाउ मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद हाँ, एंड इतने दिया कुछ गल्लां, आई कैन से यंग एंटरप्रेन्योर्स, अजकल दे ताज़ा दिमाग, उन्हां दी क्रिएटिविटी और रिस्क जिहड़े लै रहे ने, एंड फॉर्चुनेटली वो उस चीज़ नूं कर गुजरन लई कुछ भी कर रहे ने, एंड वो बेस्ट रिजल्ट दे रहे ने। वर्ल्ड वाइड जो एंटरप्रेन्योर्स की गल करिए बहुत सारे ने ऑफकोर्स, बट जब सिर्फ पंजाब पर फोकस करा, सो आई एम शॉक्ड, आई एम अमेज्ड, आई एम ग्लैड टू सी के यंग एंटरप्रेन्योर्स कितना कुछ कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड जो गल करा, ऑलमोस्ट 50% तो उत्ते पंजाब तो ही यंग एंटरप्रेन्योर्स ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो गल करिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहजे ने जिन्हें क्रिएटिविटी सुन के मैं लग्या लाइक वाओ, दिस इज समथिंग आई वॉन्ट। बाहर जाने की सानू कोई लोड़ नहीं आ, बिकॉज इन पंजाब, इन इंडिया, वी हैव सो मेनी थिंग्स जिसनों एक्सप्लोर करने वास्ते वी आर हेयर इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लैट्स टॉक अबाउट इट। सो जिस दे विच गल करने लई आपां इहनां कोल चलदे आ, एंड ही विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सत श्री अकाल। सो ओके, देयर इज अ लैंग्वेज इशू, तो आपके साथ तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी। तो बिकॉज सी आप बिजनेस बारे गल करनी है, राइट, डजेंट मैटर लैंग्वेज कोई भी हो, वी विल टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज यू हैव गिवन टू द चिल्ड्रन, एंड जो रिजल्ट निकले ने उन्होंने बारे आप गल करा। सो सबसे पहले तो मैंने बात की यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि बहुत सारे बच्चे हैं, बट जिनको ऐसे भी है जिनको प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं मिलता है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को एक रास्ता दे रही है आगे बढ़ने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर दैट, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे जैसे कई बच्चे आगे निकले और देश का नाम रोशन करे, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल अब्रॉड जाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो सभी कोई फॉलो कर रहे हैं। बट ये जान के खुशी हुई कि आप लोग ऐसा कुछ इनिशिएटिव कर रहे हो और बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट पंजाब के इतने सारे बच्चे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या है? लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 2016 से एंटरप्रेन्योरशिप का जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योरशिप, वो 2016 से हमने शुरू की है। उसके पहले हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर चलते थे, बट 2016 से वी बिकम रिकॉग्नाइज्ड। सो हमारे यहाँ इस एट दिस मोमेंट वी हैव 103 एंटरप्रेन्योर्स हु आर वर्किंग एंड 20 आर पास आउट। 20 एंटरप्रेन्योर हमारे पास आउट हो चुके हैं। और जो सबसे कमाल की समझने वाली बात है कि पंजाब में जो ये कहा जाता है कि पंजाब के बच्चे फॉरेन को जाते हैं, इस 130 में से 45% अप्रॉक्स 47 स्टार्टअप पंजाब के बच्चों ने किए हैं। आप अगर इसका एक ग्लिम्प्स देखना चाहें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आगे हम फिर चलेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ललिता ठाकुर है, इन्होंने एक रेप प्रिवेंटिव बेल्ट बनाई है। इट्स अ बेल्ट विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बेल्ट, सो जब लड़की इसको पहनती है, इफ समबडी विल ट्राई अ रेप अटेम्प्ट और टियर अप द क्लोथ्स, तो इसका सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाता है और पुलिस को GPS लोकेशन के साथ इन्फॉर्म हो जाता है कि कहाँ पे ये इंसिडेंट्स हो रहा है। सो इट्स, और इसके लिए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया था टॉप 5 एंटरप्रेन्योर्स में, और ये 6 महीने के लिए कनाडा कार्लटन यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप भी लगा के आई हैं, वहाँ के इंक्यूबेटर में काम करके आई हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा क्योंकि हमारा जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, दिस इज रिकॉग्नाइज बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NSTEDB, और हमको उनकी फंडिंग भी है। 4.12 करोड़ रुपीज़ हम लोगों को उनकी तरफ से मिले थे, और यूनिवर्सिटी ने 10 करोड़ रुपए अपनी तरफ से लगाया है, तो विच वी मेड अ कॉर्पस, जिसमें से हम जब भी कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है तो उसको हम 5 लाख रुपए सीड मनी देते हैं, और फिर जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है तो हम उनको इन्वेस्टर्स से मिलाते हैं। हमारे इंडस्ट्रियल मेंटर्स हैं जो उनको मेंटोर करते हैं, और 18 महीने का ये टोटल पीरियड होता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि बिकॉज हमारा मैनेजमेंट अभी इनिशिएटिव ले रहा है, तो इन 18 महीने के लिए ये इकलौता एक आपको TBI मिलेगा, जहाँ पे हम बच्चों से कोई चार्ज नहीं करते, वी डोंट टेक एनी इक्विटी, वी डोंट टेक एनी रेंट, सो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 18 मंथ्स। अगर आप आगे देखेंगे तो हमारा जो बहुत अच्छे आउटपुट्स आ रहे हैं उसमें ये बच्चा पंजाब का जिसने जम्मू में जाके अब अपना पूरा प्लांट लगाया, ये जो बाइसाइकिल आपको दिख रही है, ये मैं आपको अंदर फिजिकली भी दिखाऊंगा, ये एक सिंगल फ्रेम बाइसाइकिल है, ये सिंगल फ्रेम बाइसाइकिल और पेटेंटेड है ये, और वर्ल्ड ओवर पेटेंट, ग्लोबल पेटेंट लिया इस बच्चे ने, और ये बाइसाइकिल एक्स्ट्रा वेट लेती है,
नॉर्मल बाइसाइकिल 115 केजी लेती है, 125 केजी का वेट लेती है, एक्स्ट्रा सस्पेंशन लेती है। और इधर अगर आप आगे आएंगे तो आपको ये पूरी लिस्ट दिखेगी हमारे स्टार्टअप्स की। यहाँ पे 86 की लिस्ट है ये, क्योंकि हम इसको हर 6 महीने बाद अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 86 स्टार्टअप्स की पूरी लिस्ट दिखेगी। स्टार्टअप बिलोंग करते हैं बहुत अलग अलग एरिया से, बट बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे को खुशी होती है कि इसमें अगर आप स्टार्टअप देखेंगे तो हैप्पी फार्मर्स है। हैप्पी फार्मर्स एक ऐसा स्टार्टअप है जो फार्मर्स और मंडी के बीच के जो एजेंट्स हैं उनको दूर करता है, डायरेक्ट फार्मर्स के प्रोड्यूस को डायरेक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाता है। उसके बाद अगर आप मम्मी दी रोटी देखेंगे तो ये एक बहुत अमेजिंग स्टार्टअप है। एक सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा हमारे पास आया और उसने कहा मैं फूड का स्टार्टअप करना चाहता हूँ। उसने 25 हाउसवाइफ से कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर कंपनीज में जाके जिन लोगों को घर का खाना नहीं मिल पा रहा था उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से वो खाना ले जाके कंपनीज में डिलीवर करा 50 रुपीज़ पर प्लेट, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट इन पंजाब एट दिस टाइम। और घर के जो लोग, वो लेडीज जो खाना बनाती थी, उनका एक ये था कि हर रोज हम कुछ एक्स्ट्रा खाना बनाते हैं, तो उसके लिए वो भी अर्न कर रही हैं। सो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू हाउस वाइफ एज वेल एज अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु आर नॉट गेटिंग फूड, होम मेक फूड। सो दिस इज़ अ वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग जो हमारे बच्चों ने स्टार्ट किया है। सो राइट नाउ वी हैव अ वन, और सबसे अच्छी चीज़ हमने स्टार्टअप्स में देखा कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आउट ऑफ दिस 103 हमारे सिर्फ 4 स्टार्टअप्स हैं जो अभी तक ड्रॉप आउट हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बहुत कमाल का रेट है। नॉर्मली अब अगर आप वर्ल्ड ओवर रेट देखें तो वो 97% का है। आपको आगे ले जाके मैं बाकी स्टार्टअप्स के जो फिजिकल हमारे मॉडल्स बने उनके बारे दिखा दूंगा। हमारे यहाँ 2 प्रोग्राम बेसिकली चलते हैं, एक IEDC है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। उसमें जब कोई बच्चा हमारे पास कोई आइडिया लेके आता है तो हम उसको उसका आइडिया को इवैल्यूएट करते हैं। वी हैव अ कमिटी विच इंक्लूड्स साइंटिस्ट, आर प्रोफेसर्स, देन इंडस्ट्रियलिस्ट, देन मेंटर्स, दे सिट, दे इंटरव्यू द स्टूडेंट, एंड व्हेन वी इंटरव्यू एंड वी फाइनलाइज द स्टूडेंट्स, वी गिव देम अप टू 1 लाख रुपीज टू डेवलप अ प्रोटोटाइप। जब वो अपना प्रोटोटाइप बना लेता है तो फिर हम उस प्रोटोटाइप को एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, हम गवर्नमेंट एजेंसी से उसको चेक करते हैं, और अगर हमको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है एंड इट कैन बिकम अ कंपनी, तो हम उसको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर में ले जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं। तो अंडर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर वी प्रोवाइड देम अप टू 5 लाख रुपीज एट अ इनिशियल स्टेज। सेकेंड, वी प्रोवाइड देम मेंटोरशिप। मेंटोरशिप में हम उनको प्रोवाइड कराते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन, विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, आर पीपल आर CA, वी हैव अ टीम जो उनकी कंपनी को रजिस्टर करती है, वेदर दे वॉन्ट टू गो फॉर प्रोपराइटरशिप, दे वॉन्ट टू गो फॉर LLP और दे वॉन्ट टू गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद उनको हम मेंटोर्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जब बच्चा एक प्रोटोटाइप बनाता है इट्स इन द रॉ फॉर्म, सो हाउ टू टेक दैट टू इंडस्ट्री, हाउ कैन दे सेल दिस पर्टिकुलर, यू नो हाउ कैन दे सेल दिस पर्टिकुलर कंपनी, और इफ दे वॉन्ट, और हाउ कैन दे मेक दिस कंपनी एज अ बिग कंपनी। सो फॉर दैट वी कनेक्ट देम टू द इंडस्ट्री मेंटर्स, जो लोग इंडस्ट्री के CEO हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू चेंज अ प्रोडक्ट इन टू अ सेलेबल प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम वी हैव अ 3D प्रिंटिंग, वी हैव अ पैकेजिंग टीम, वी हैव अ मार्केटिंग टीम, सो वी टेल देम हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट, हाउ टू बिल्ड योर सोशल मीडिया कैंपेन, हाउ टू गो ऑन द न्यू चैनल्स, हाउ कैन यू हाउ, बिकॉज यू नो डूइंग इनोवेशंस वाई वी आर बिहाइंड, दैट्स वॉट माई फीलिंग। हम इसलिए पीछे हैं बिकॉज जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी हैं उनके यहाँ जो क्रिएटिविटी है उसको दे पब्लिसाइज, और हमारे यहाँ बहुत सारा बच्चा जिसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता। और पंजाब के केस में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, जो पंजाबी माइंड है ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको हैप्पी फार्मर्स के बारे में बताया, मैंने आपको मम्मी दी रोटी के बारे में बताया, मैंने आपको इस बाइसाइकिल के बारे में बताया, दीज ऑल केम फ्रॉम पंजाबी स्टूडेंट्स। तो मैं आपको मिलाता हूँ वही WCarPS रॉन्ग कार पार्किंग के CEO से, ये पास आउट हैं और इन्होंने शुरू किया था WCarPS के साथ, बट आज इनके पास 4 स्टार्टअप्स हैं टोटल और जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, एंड ही हैज अ गुड टर्नओवर आल्सो। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू द फर्स्ट स्टार्टअप मिस्टर निखिल जी, इट्स नाउ आवर पास आउट स्टार्टअप। सो निखिल, अगर आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं प्लीज इनको। फर्स्ट ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर माई इंट्रोडक्शन। एक्चुअली माई नेम इज निखिल शर्मा एंड माई स्टार्टअप नेम इज मैक्सन हाईटेक कंपनी LLP। एक जो पूरी तुसी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो कि ऑल ओवर किया, सो आई वुड बी ग्लैड, लोग बहुत एक्साइटेड होंगे सुनने लिए, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी गुड, मतलब क्रिएटिविटी तो भी उत्ते जाके जिन्हों कहते हैं ना, दिस इज समथिंग वेरी गुड। सो आई जस्ट वॉन्ट के पूरा कि मैं तुसी सारा कुछ कहता। हाँ जी, सो मैम लाइक मैं स्टार्टिंग दे विच सबसे पहला
धन्यवाद करना चाहांगा कि तुसी मैंने एक मौका दिता तो सो दैट मैं अपना आइडिया एक्सप्रेस कर सकां। सो नाल ही मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का थैंक्स करांगा जिन्हें करके अज मैं थोड़े सामने खड़ा तो अपना एक आइडिया शेयर कर रहा। सो बेसिकली लाइक मेरी जी मैक्सनाइट कंपनी हैगी है मैं उसकी कुछ दो मेन अचीवमेंट पहले दसना चाहवागा। सो दैट तो बेसिकली की है कि जी साड़ी मैक्सनाइट कंपनी है वो स्टार्टअप इंडिया सर्टिफाइड है। वो बेसिकली जेडे लाइक इन 2017 2017 अपना आइडिया जोड़ा है डब्ल्यू कार्स आइडिया जो सर ने थोड़ा जहा ओवरव्यू दिता हले रोंग कार पार्किंग सोल्यूशन है उस आइडिया के बेस से असी साड़ी कंपनी का नाम है मैक्सनाइटेक जिसे ये आइडिया क्लब करके असी स्टार्टअप से अपलाई किया। तो उस वेले सिर्फ 14,000 स्टार्टअप्स लाइक लाखों कंपनियों ने अपलाई किया उस वे लेकिन ओनली 14,000 सारे इंडिया के सिर्फ 14,000 जोड़े उन्होंने सिलेक्ट किए। तो उस बाद दो महीने बाद ही एक आई एम बी मीटिंग हुई इंटर मिनिस्टर बोर्ड मीटिंग कहते हैं वो टैक्स बेनीफिट वास्ते होंगी है कि लाइक 14th आई एम बी मीटिंग सी जिद उन्होंने लाइक सारे फिल्टर किए स्टार्टअप्स कि 14,000 स्टार्टअप के किड़े किड़े स्टार्टअप जोड़े है वो टैक्स बेनीफिट ले सकते हैं मतलब जो सोशल सर्विंग हैं लाइक उन्होंने कि सपोर्ट करनी चाहिए है सरकार ने। तो उन्होंने फाइनली सानू एक कंक्लूड किया तो सानू उस लिस्ट से पाया। तो फाइनली मतलब मैं सरप्राइजिंगली गल है कि ओनली 350 स्टार्टअप्स आउट ऑफ दैट 14,000 स्टार्टअप मतलब फिलहाल 350 स्टार्टअप्स में सिर्फ टैक्स बेनीफिट मिला और टैक्स बेनीफिट है 100 crore का टिल 10 years। सो 10 साल वास्ते 100 crore का टैक्स बेनीफिट मिला लाइक मतलब मैं जब पहला आइडियाज वगैरह पर काम करता हूँ तो यही सुनने आता है कि सरकार कुछ नहीं करती एंड ऑल बट लाइक एजुकेशन सिस्टम भी कोई वधिया नहीं है ये सब चीज़ा मैं सुनता सीगा बट जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आया सो मेरी इंटरैक्शन नाले जब मैं चांसलर सर के व्यूज ऑनरेबल चांसलर साढ़े सतनाम सिंह संधू जी मतलब उन्होंने उन्होंने जब विचार मैं सुने तो उन्होंने ऑलवेज ये चीज़ बोलनी कि बेटा देखो जॉब्स तो सारे ही करते हैं लाइक एंटरप्रेन्योर बनो प्रॉब्लम्स नू देखो सोसाइटी दे विच समाज विच प्रॉब्लम केड़ी है उहदे उत्ते वर्क करो तो तुसी इको मतलब एक लाइक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं पता सीगा फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक लाइक दिस इज़ द टेबल I can say this is the table. Practically, there is the ma'am. First, when I entered the this TBI center on the basis of like कुछ like ma'am has said in a department कुछ करना है और कुछ TBI एक center है वहाँ पे ideas वगैरह का होता है। So जब मैं enter हुआ यहाँ पे तो आके मैं यहाँ पे पूछ रहा था कि मैम लाइक ये है क्या यहाँ पे तो कहते बेटा ये ना TBI center है like technology business incubator। सो यहाँ पे मैं कहूँ होता क्या है लाइक मेरे को स्टार्टअप्स वर्ड का मतलब ही नहीं पता लाइक कंपनी का स्टार्टअप होता है लाइक आई एम टोटली ब्लैंक। सो दे सेड बेटा हम ना एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। सो बिफोर आई स्पीक मैम ने बोल दिया कि मैंने बोला मैम स्टार्टअप मैं उनसे पूछने वाला था कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या चीज़ होती है बनाने में सो लाइक दिस। सो दे सेड बेटा हम बिजनेस मैन लाइक कंपनीज ओपन कराना मैं ओके so this is like this so this is my first experience to know like this is the thing and ma'am said like interact with Sanjeev sir they will guide you with everything so I have this idea the basic idea like wrong parking and with that I introduce and all the things and chancellor sir so mainly a idea jada hai ga w caps idea jada si pura complete kar liya so chancellor sir de kol main personally interact kita they appreciate me so like unhone as a father factor इट्स नॉट लाइक ए स्टूडेंट आए का काम कराना है नो इट्स लाइक अ फादर फैक्टर कि नहीं बेटा तुम्हें की सपोर्ट चाहिए मैंने दसो। सो इट्स नॉट लाइक प्रमोशनल मैं कोई गल नहीं कर रहा एक मेरा परसनल क्यों है क्योंकि मैं हूँ पास आउट हाँ आई एम सक्सैसफुल स्टार्टअप सो आई हैव नो एनी प्रेशर लाइक सो इट्स लाइक मैं परसनल व्यूज जोड़े मैं प्रैक्टिकली फेस किए हैं मैं जो शेयर करना चाहना कि लाइक सर ने एज अ फादर फैक्टर मैंने जी चीज़ा दसियाँ कि लाइक बेटा तुम ये करो लाइक ये उत्ते वर्क करो तो इस तुहाड़ा असी फिर मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की सर मेरा लॉन्च कराओ। सो परसनली उस दिन 3 मीटिंग्स कैंसल करके मेरे लॉन्च कराने आए थे कि बेटा नहीं तुहाड़ा लॉन्च तो असी करवाना है। सो फ्रॉम देयर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो असी 3 बंदियां दी मेन टीम मिल के लाइक तुसी जिदा एक पॉइंट किया हुण मैं इस पॉइंट की डायरैक्टली गल कर रहा कि लाइक फाइनेंस एंड ऑल तो मैं ये कहाँगा कि एट द एंड मतलब मैं कोई यंगस्टर जो भी ये सुनेगा मैं उन्होंने यही चीज़ बोलना चाहाँगा कि लाइक ये चीज़ आती है कि फाइनेंस नहीं हैगा ये नहीं हैगा तो डुब जूगा आइडिया नहीं चलूगा इदा इदा होंदा की है जनरली कि मैं कहता कि मैं एक अपनी कोटेशन भी लिखी थी कि इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन सम आइडिया मतलब जो तुम किसी आइडिया से स्टार्ट करना है स्टार्ट विद द थिंग्स यू हैव जिहड़ी चीज़ां तुहाडे कोल है तुसी उस तो स्टार्ट करने की कोशिश करो रैदर दैन फोकसिंग ऑन कि मैं एप्पल ही चाहिए है मैं ये कोडिंग एप्पल की कर सकता या मैं इन्हें हाईफाई सिस्टम चाहिए है। मेरे को एक बेसिक पीसी सीगा कोडिंग कोई हाई पीसी नहीं मंगता मेरे ब्रदरस तो वह कोडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड परमिंदर सिंह उन्होंने नाल
तो मैं अपना आइडिया शेयर किया, दैन जी मैं तुम्हें तो आइडिया दसा हूँ, मैं थोड़ा जहा आइडिया एक एक्सप्लेन कर देना कि वाई वो आइडिया ने सानू एक्चुअली पुश किया कि तुम ये बनाओ, मैं बनाओ बेसिकली ये चीज़ सी। वो आइडिया बेसिकली की है कि एक जरा रोंग पार्किंग आइडिया का नाम है डबल्यू कार पी एस है, रोंग कार पार्किंग सल्यूशन है, जिहड़ा गलत पार्किंग ते कोई जो थैफ्ट हो जाए उन्हों एक बेसिकली सॉल्व करता है। जो गलत पार्किंग हो जाए तो गलत पार्किंग विच की है तो विद 7+ सिक्योरिटी। तो मैं ये कहना चाहवागा कि 7+ सिक्योरिटी दे विच हैगी है, इट्स नॉट लाइक कि तुसी सिर्फ ये दो फीचर यूज़ कर ले दैट्स डन। बेसिकली 7+ सिक्योरिटी दे नाल इहदी एक वैल्यू बढ़ जाती है। हुण जिदा एक सब तो पहले ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि साड़ी ऐप दे विच कोई भी जे कोई रजिस्टर करता है तो उन्हों अपना आधार कार्ड दे बेस ते आना पैंदा है। तो फस्ट ऑफ ऑल का मतलब ये तुसी ला लो कि फेक रजिस्ट्रेशन जीरो है, सो कोई फेक मार्केट नहीं हैगी, सो ट्रस्टेबल ऐप होगी है साड़ी, पहली गल तो यह होगी। दूजी गल है कि मेन जो आइडिया है वो रोंग पार्किंग वाला, लाइक किसी का भी वहीकल रोंगली पार्कड है, मान लो किसी की गड्डी मेरी गड्डी पार्कड है, कोई रोंगली आके गड्डी पार्क कर देना है। जे मैं मार्केट के जाके जनरली आया तो मैं देखा कि यार ये गड्डी गलत खड़ी है तो मैं डबल्यू कार्स ऐप ओपन करनी है, जस्ट उस गाड़ी का नंबर पुट करके सर्च करा तो जो परसन है वो SMS ईमेल चला जाऊगा कि निखिल शर्मा ने तुम्हें सर्च किया है, उद्दे नीचे लिंक होएगा, उस लिंक से बंदा क्लिक करेगा, उन्हें मेरी करंट लोकेशन शेयर हो जाएगी किधरों मैं सर्च किया। इट वॉज़ लाइक मैं गाड़ी के पास तो किया या दूरों किया, बिकॉज जेड़ा रोंग पार्किंग कर रहा है वो कोई फीमेल भी हो सकती है, तो फीमेल सिक्योरिटी साढ़े वास्ते माइंड से सीगा, वो चीज़ सानू मेनली लेके चलनी है। सो मेजरली इधरों साड़ी एक सिक्योरिटी लैवल स्टार्ट हो जाता है, लाइक यू कैन सी कि लाइक लोकेशन शेयर हो रही है, सो गर्ल कैन नो कि हाँ भी मेरी गाड़ी तो पास तो किया किसी ने सर या दूरों किया। हुण उस तो बाद मेरे एंड ते कॉल बटन आ जाएगा, तो जब मैं कॉल बटन पर क्लिक करांगा दैट कॉल इज़ फुली इनक्रिप्टिड एंड मास्ट कॉल। मतलब जे इन्हें मैं सिंपल शब्दों में दसा कि डबल्यू कार्प के सर्वर तो कंपनी के सर्वर तो मेरे को पहला कॉल आऊगी, मैं एक्सैप्ट करांगा, दैट कॉल ऑटोमैटिकली ट्रांसफर टू दैट ओपोनेंट ओपोजिट साइड जिहड़ा भी जिन्हें रोंग पार्किंग की वो कॉल जाऊगी। दोनों एंड से कंपनी का नंबर शो होगा, परसनल नंबर शेयर ही नहीं होगा। अगेन फीमेल सिक्योरिटी एंड कॉल इज अंडर टैप, कोई भी अगर कोई मिसबिहेव लैंग्वेज यूज करता है तो लीगल एक्शन के ऊपर लिखा जा सकता है। जी मैं पंजाब की गल करा, कितना टाइम हो गया इस ऐप टू लॉन्च किए थे, कितने की लोगों ने डाउनलोड किए? बेसिकली तुसी ये ला लो कि इन इंडिया, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, 22 स्टेट्स दे विच ये साड़ी ऐप राइट नाउ डाउनलोडेड हैगी है। से इट्स अबाउट मिलियन, वी आर टचिंग मिलियन डाउनलोड्स एंड मल्टीपल पंजाब दे विच एंड चंडीगढ़ दे विच। मैं जे पंजाब की गल करा इधर ही साढ़े कैंपस दे विच ही एक जरा दूजा फीचर है साड़ी ऐप का, फर्स्ट फीचर तो साड़ा रैंडमली यूज़ होता बिकॉज आर कैंपस का मतलब डबल्यू कार्प सिक्योर्ड कैंपस, वी कैन से फुली कैंपस साड़ा यूज़ कर रहा साड़ी ऐप, सो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इनू यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे अवेयरनेस इदा फैल रही है, बिकॉज लाइक एवरी आइडिया स्टार्ट्स विद द बेस। सो तुसी ये लाओ कि जरा दूजा फीचर है इट्स लाइक थैफ्ट फीचर, लाइक जे किसी की बंदे की गड्डी चोरी हो जाए तो उस सिचुएशन अज तक कोई यहोजा फीचर नहीं है कि बंदा जो सामने वो गड्डी चोरी हो गई या 5 मिनट बाद भी उस लोकेशन पर पहुँच रहा है कि गड्डी मेरी चोरी हो चुकी है, वो कोई सिस्टम नहीं है वो डायरैक्टली उसी टाइम कुछ इंटीमेशन दे सके। सो असी ये चीज़ अपने आइडिया के इंट्रोड्यूस की है, जिदेज की हैगा कि जे बंद की परसन जरा यूजर है डबल्यू कार्प्स का, वह जे गड्डी फेस करता है कि उसकी गड्डी चोरी होगी, उन्हें सिंपली ऐप ओपन करनी है, डोंट पैनिक, ऐप ओपन करके थैफ्ट अलर्ट बटन पर जाना है, सिलेक्ट करना है क्योंकि मल्टीपल वहीकल हो सकते हैं एक ओनर को, सो वो लिस्ट आ जाएगी कि बाइक भी हो सकती है कार भी हो सकती है, तो जो भी चीज़ चोरी हुई है उन्हें सिलेक्ट करके लोकेशन एंटर करो लास्ट टाइम जिथे देखे तो अलर्ट बटन क्लिक कर दो। अलर्ट बटन क्लिक करते ही जिन्हें भी साढ़े यूजर्स ने जिन्हें जिद पुलिस भी इनवॉल्व है, जिद्द कॉमन पब्लिक भी जिन्हें भी है उन सारा को एक नोटिफिकेशन से मैसेज आऊगा कि यह गड्डी चोरी हुई है, नंबर ए, चैसी नंबर ए, कलर ए। तो बिफोर मैं कह सकता कि लाइक बिफोर FIR, लाइक बंदा जब पुलिस स्टेशन उस तो पहला बैरियर से जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है तो एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। कॉमन पब्लिक ये एक होर चीज़ होगी, लाइक पुलिस में भी एक सपोर्ट होगी, लाइक जेडे कॉप्स ने साढ़े बेसिकली जो बैरियर से गड्डी आ रही है तो उसको देख के डेफिनेटली मतलब वो कैप्चर करेंगे, भी डिटेल्स उन्होंने को आ गई ने। बट जे मान लो एक गाड़ी उस रास्ते जा रही जिथे कॉप्स नहीं है तो कॉमन पब्लिक भी जो गाड़ी देखती है दे कैन ऑल्सो है ऑल्सो द नोटिफिकेशन ऑफ दैट कि यह चोरी हुआ, वो दस सकते हैं कि सर इस रास्ते से गड्डी गई है, पब्लिक पार्टिसिपेंट। सो बेसिकली असी एक ट्रैप बनाता जिदे विच्चों एक स्टोलन दे जिहड़े केसिस है वो कम हो सकन ते रिकवरी बैटर वे नाल हो सके। आई कैन सी दैट, थोड़े नाल गल करके मैं वो चीज़ा विजुअलाइज कर रही हाँ कि जे इन फ्यूचर रब ना करे मेरे या मेरे किसी नोन नाल ऐसा कुछ हो गया, सो डबल्यू कार्प पीएस इज ऑलवेज देयर एंड आई एम गोना डाउनलोड इट, इवन आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल डू दैट। सो
दिस क्रेजी माइंड, वट एल्स यू हैव इन योर माइंड, मतलब इन फ्यूचर होर यह जहाँ की आ रहा है, तुम्हें की रिवील करना है तो रिवील करो, नहीं रिवील करना है सो आई नो इट, आई अंडरस्टैंड द प्रीवियसली, बट इट्स टोटली अप टू यू. सो लाइक मैम पहला फ्यूचर के परस्पेक्टिव से पहला ये चीज़ आगे थोड़ा जहा एड ऑन करना कि यदि इस तो रिलेटिड मतलब हूँ तक तो मैं स्टार्टअप से अपना टैक्स बेनीफिट दसता हूँ जी ऐप समझ आ गई है सारों की ऐप हैगी है तो इस ऐप के बेस से एक कंपीटिशन होया मैं हूँ थोड़ी जी अचीवमेंट्स दसदा अपनी कि ये बेस से की असी रिसीव किया लाइक फस्ट साड़ी जी अचीवमेंट हुई सी लाइक इफेक्टस कंपीटिशन होया लाइक वो एन एस टी डी बी आई के अंडर ऑर्गनाइज सी गवर्नमेंट दे अंडर उस कंपीटिशन के मैं जस्ट एज अ आइडिया सीगा तो मैं उत्थे सुने कि लाइक आई आई टीज एंड ऑल उत्थे आ रहे हैं एंड लाइक आइडियाज़ था मतलब सारे सुन के ही कहें कि आई आई टीज यही चीज़ा चल रही. सो लाइक देर मैं आई आई टीज वगैरह सब देखा बट मैं कोई पैनिक नहीं किया. मैं ये मानता कि जब मैं जा रहा काम करन कि रब्बा तुसी कराना लाइक वाहेगुरु की अरदास करके चलिया सी ते कंपीटिशन च गया पार्टीसपेट किया नॉर्मल जो मेरे को कंटेंट सीगा आई एम स्टार्टअप सर्टिफाइड एंड ऑल दिस कंटेंट एंड दिस वर्किंग ऑफ द ऐप मैं शेयर किया अपना व्यूज पिचिंग राउंड लाइक मोर दैन 400-500 एंट्रीज आर देयर उन्होंने सिलेक्ट होकर मैं टॉप 21 से गया पिचिंग राउंड सीगा उहदे विच अपना 2 मिनट मिले मैं एक्सप्रेस करन दे अपने स्टेज पर मैं अपना आइडिया एक्सप्लेन किया फाइनली वी वॉन द फस्ट प्राइज डिफीटिंग ऑल द आई आई टीएंस फस्ट प्राइज मिले विद द कैश प्राइज ऑफ 2 लाख रुपीज दैट इज़ आर द फस्ट मेजर अचीवमेंट जिदों मैंने लगे कि नहीं आइडियाज़ की वैल्यू हो सकती है क्योंकि उस तो पहले तो यही कहते थे कि किन्ना कमाया सो इट्स लाइक हले तो स्टार्ट होया कि कमाइए की. सो इस परस्पेक्टिव नाल असी जद एक मोटिवेशन फैक्टर आया कि नहीं यार असी इस आइडिया से जाने की असं अगे ये चल सकते हैं. सो इस तो बाद मेनली एक ई गवर्नेंस जिहड़ा इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है ई गवर्नेंस उन्होंने एक नैशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस की कंपीटिशन किया भी मोर दैन 100 पार्टीसपेशन सी उहदे विच असी टॉप 11 आइडियाज़ दे विच मतलब रैंक होए ने मेरा जिहदे को मेरे को एक जर्नल हैगा जिहड़ा इन्हां दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे तुसीं देख सकते हो बेसिकली ये June-January 2019 ये darpg.gov.in दे उत्ते तुसी जाके चैक कर सकते हो ये जर्नल चैक कर सकते हो उहदे विच टॉप 11 आइडियाज़ गवर्नमेंट ने फिल्टर किए थे उहदे विच 7th नंबर से डबल्यू कारपीएस ऐप हैगी है वहीकल आइडेंटिफायर एंड थेफ्ट सोल्यूशन जिन्हों तुसी मतलब एक 7th नंबर से सारा मतलब परस्पेक्टिव देख सकते हो पूरा सारा आइडिया जिहड़ा हैगा एक्सप्लेन हैगा तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनू अपने पोर्टल पर पब्लिश किया है ये पूरा 2 main features एंड 7 security जी मैं दस रहा लाइक आधार कार्ड कॉल इनक्रिप्शन वैबसाइट अलर्ट सिक्योरिटी ये चीज़ मेरे को रह गई है लाइक इन केस ऑफ असी एक होर पॉइंट ऑफ व्यू भी कड़ा लाइक एक और सिचुएशन सोची लाइक जे गड्डी बंदे की चोरी हो तो मोबाइल गड्डी ही रह गया उस सिचुएशन दे विच की होगा ये चीज़ भी साढ़े माइंड से आई. सो उदे वास्ते असी की कीता कि नॉर्मली बंदे का जिहड़ा लाइक ईमेल आई डी ते पासवर्ड जिहड़ा हैगा कोई भी डिवाइस से जाए किसी के भी मोबाइल लेके या किसी के कंप्यूटर से जाके उधरों wkrps.com वैबसाइट पर जाए उधरों लॉगिन करके उधरों भी अपना अलर्ट फायर कर सकता. सो ये बेसिकली एक मतलब एडिशन असी एड ऑन जिन्हें ग्राफ असी कवर कर सकते थे असी उन्ने ग्राफ कवर किए. सो बेसिकली यही परस्पेक्टिव से साड़ा लोकेशन सर्च हो रहा है OTP वेरीफिकेशन है नंबर वेरीफाई होता लाइक क्रॉस SMS एंड ईमेलिंग सिस्टम इज देयर एंड असी जनरली बेसिक एक स्टिकर भी शेयर करते हैं एक आइडिया जो साडे ये स्टिकर बेसिकली एक अवेयरनैस वास्ते लाइक कि जो भी परसन साडा यूजर हैगा इस स्टिकर अपनी गाड़ी पर इंस्टॉल करे. सो ये उत्ते लिखा हुआ है कि WKRP सिक्योर्ड व्हीकल लाइक कि कोई भी चोरी करन जे आ रहा है कोई थेफ्ट तो जो स्टिकर देखता है तुहानू होगा कि गड्डी सिक्योर्ड है लाइक मैं चोरी भी कर लैंदा मोबाइल भी ले लाँ उस तो बाद भी इहदी रिपोर्ट हो जाऊगी रियल टाइम दे विच. सो दिस वाज लाइक दिस. वैल गल भी कीती थियोरेटिकल भी थानू दिखाया तो प्रैक्टिकल इन्हों नाल सारा जिहड़ा आइडिया सीगा किवें इंप्लीमेंट होया किवें बाहर आया तो किवें अवार्ड्स दिते दिस इज़ समथिंग अमेजिंग. जो लैब असीं थानू दिखाया जिन्हां नाल गलबात कराई करोड़ रुपए का बजट ऑर्गनाइजेशन वालों CU यूनिवर्सिटी वालों इन्हां नू दिता गया है दिस इज़ समथिंग बहुत वड्डी अचीवमेंट आ कि एक ऑर्गनाइजेशन उधर के बच्चों नू एवें सपोर्ट करी है बाकी रिजल्ट तुसीं आप देखिया. सो ये आई गेस कवरेज उन्होंने पेरेंट्स लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है जोड़े अपने बच्चों को चाहते हैं कि बाहर जाए. आई गेस दिस इज़ समथिंग इस टाइम जिते तुसी हैगे हो तुसी उतों शुरुआत करो एंड रिजल्ट थोड़े आप दे सामने सेगा. आई होप यू लाइक द कवरेज एंड इस कवरेज तो तुसी कुछ ना कुछ तो जरूर सीखोगे बिकॉज मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखा. कैमरा पर्सन आनंद के नाल सोनाली नेगी डेली पोस्ट पंजाबी चंडीगढ़. सत श्री अकाल.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।